तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आ गया अगेन एक नया रिक्वायरमेंट लेकर, नया जॉब लेकर। जी हाँ, ये जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये तुर्की के लिए है। जी हाँ, तुर्की का रिक्वायरमेंट है। बहुत से भाई लोग हमारे बहुत से दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर तुर्की का रिक्वायरमेंट बताइए। तो मैं बोलता था कि भाई अपना CV बायोडाटा बनाकर रेडी रखिए, जैसे रिक्वायरमेंट आएगा, जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मालूम चलेगा कि इंडिया के बेस्ट ऑफिस में और लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, वैसे मैं बताऊँगा। क्योंकि मैं ऐसे तो मैं बराबर देखता था रिक्वायरमेंट के बारे में तुर्की का, लेकिन जो इंडिया गवर्नमेंट का लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस जब तक नहीं रहता है, जो ऑफिस को इंडिया गवर्नमेंट लाइसेंस और सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं रहता है, उस ऑफिस का रिक्वायरमेंट मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। जब तक हमको क्लियर मैं नहीं हो जाता हूँ कि नहीं ये जेन्युइन काम कराता है और ये बंदे का फ्लाइट कराएगा और इस ऑफिस से हमारे कोई भी बंदे जाए और क्या नाम है कि इंटरव्यू दे तो उसका फ्लाइट 100% हो जाएगा, तभी मैं वो रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड वैसा रिक्वायरमेंट अभी आ गया है तुर्की के लिए। जी हाँ, तुर्की के लिए। सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड, आज के डेट में, अभी के डेट में सबसे ज्यादा हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा कमेंट आता है वो आता है यूरोप जॉब्स के बारे में, जैसे तुर्की है, क्या नाम है, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ठीक है ना, सर्बिया है, साइबेरिया है, रसिया है। ये सब जॉब का सबसे ज्यादा अभी इस टाइम में कमेंट आता है कि सर ये सब क्या नाम है कंट्री का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड फाइनली अभी तुर्की का रिक्वायरमेंट आ गया, जैसे हमको मालूम चला फ्रेंड, जैसे जस्ट हमको मालूम चला कि ये रिक्वायरमेंट अभी आया है तुर्की के लिए इंडिया की टॉप ऑफिस में, तो सोचा कि क्यों ना जल्दी से वीडियो बनाकर आप लोग से शेयर किया जाए, आप लोग को बताया जाए, ठीक है ना, ताकि हमारे कुछ भी अगर भाई का इसमें सिलेक्शन हो जाए तो समझ लीजिए वीडियो बनाने का हमारा मकसद पूरा हो जाए। फिर एक चीज मैं बता दूं कि मैं टाइम नहीं देखता हूं, अगर अच्छा रिक्वायरमेंट रहता है तो मैं तुरंत वीडियो बनाता हूं, ठीक है ना, चाहे कोई भी समय हो, ठीक है। तो अभी तुर्की का फाइनली रिक्वायरमेंट आ गया, इसलिए कोई ट्रेड का भी मतलब जॉब का रिक्वायरमेंट है, बिल्डर से मैकेनिकल है, फिटर है, ठीक है ना, हेल्पर का भी रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट भी करते हैं कि सर हेल्पर का रिक्वायरमेंट बताइए, तो इसमें हेल्पर का भी रिक्वायरमेंट अभी आ गया है तुर्की के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन कौन से पोस्ट का और जॉब का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इस पर बात करूंगा, इसके बाद क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि इस जॉब में जाने के लिए, आपको इंटरव्यू देने के लिए सबसे पहले आपका आपके पास क्या एक्सपीरियंस चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी ऑफिस का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। ये तो मैं बता रहा हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस का जो रिक्वायरमेंट है और इंडिया का बेस्ट रिक्वायरमेंट है, इंडिया के बेस्ट ऑफिस का, ठीक है ना। तो फ्रेंड इसके बारे में हम बात करेंगे, ऑफिस का पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेंड बता दूं कि जो रिक्वायरमेंट है वो है तुर्की के लिए। जी हाँ, तुर्की के लिए रिक्वायरमेंट है और इंडिया का लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तुर्की में जो सैलरी है वो डॉलर में भी मिलता है, ठीक है ना, डॉलर में सैलरी है, ज़्यादातर डॉलर में ही सैलरी मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो सबसे पहला जो ट्रेड है फ्रेंड वो है बिल्डर का। जी हाँ, बिल्डर का रिक्वायरमेंट है। बिल्डर में क्या क्या चाहिए ये ध्यान से सुनिए। बिल्डर में GTAW+SMAW, जी हाँ, बिल्डर GTAW+SMAW, CS चाहिए और SS चाहिए। CS मतलब होता है कॉपर स्टील और SS मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टील, यानी कि ये दोनों बिल्डर चाहिए, CS और SS। इसके बाद है पाइपिंग चार्जेंट। जी हाँ, पाइपिंग चार्जेंट का भी रिक्वायरमेंट है इसमें, पाइपिंग चार्जेंट चाहिए। इसके बाद पाइप फैब्रिकेटर चाहिए। जी हाँ, पाइप फैब्रिकेटर का भी इसमें रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड कि पाइपिंग चार्जेंट और पाइप फैब्रिकेटर, ये ध्यान से सुन लीजिए कि आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग कंपलसरी इसमें आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं आता होगा तो आप मत जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें पाइपिंग चार्जेंट और पाइप फैब्रिकेटर का भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फ्रेंड है जो अगला ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड, वो है E&I टेक्नीशियन। जी हाँ, E&I टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट है और बहुत से हमारे भाई लोग E&I जो जॉब है, जो पोस्ट है जिसका, वो लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैं बोलता था कि भाई जैसे रिक्वायरमेंट आएगा मैं तुरंत आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा, वीडियो बनाकर तुरंत बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं फ्रेंड कि चैनल पर बने रहिए, हमेशा चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैं वीडियो ये अपलोड करूंगा, ठीक है ना, शाम तक ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल पर हमेशा बने रहेंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा नया तो तुरंत आप लोग को मैसेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तुरंत आप लोग निकल जाएंगे अपना जो भी डॉक्यूमेंट से लेकर जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे निकल जाएंगे। एक चीज़ मैं फ्रेंड आपसे बता दूँ कि जो भी मैं रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ आप लोग से, वो ज़्यादातर मुंबई का रहता है, ठीक है ना, कोई कोई दिल्ली का भी रहता है और चेन्नई का भी रहता है। इसलिए फ्रेंड कि वहाँ पे अच्छी ऑफिस है, ठीक है ना, आप लोग जाएंगे तो आपका 100% फ्लाइट होगा, 100% इंटरव्यू हो जाएगा तो 100% आपका फ्लाइट होगा, जेन्युइन फ्लाइट होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोकल एरिया में फेक
ऑफिस से, ठीक है ना, फेक इंटरव्यू हो रहा है। आपसे बता दूं तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं ना, जो मेडिकल करा ले रहे हैं, इतना बेरोजगारी है कि मेडिकल करा ले रहे हैं, 100 बंदे का भी यार मेडिकल हो गया, 3-4 हज़ार रुपया भी ले लिए तो समझ लिए कई लाख रुपया कमा लेते हैं और मिलकर बांट लेते हैं। बाद में वो लोग क्या बोलते हैं एजेंट और ऑफिस वाले कि गेम फेल हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जो भी रिक्वायरमेंट बताता हूँ वो जेन्युइन बताता हूँ, ठीक है ना। बल्कि एक दिन दो दिन बाद हमारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वीडियो आएगा कि जो भी आएगा इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंसी ऑफिस सर्टिफाइड ऑफिस का ही रहेगा, वही आएगा, जिसमें अगर आप जाएँ अपना पासपोर्ट लगाएं, अगर आप इंटरव्यू दें तो आपका फ्लाइट हो जाए, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं सजेशन देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि किसी को आपको पहले पैसा नहीं देना है। अगर जो पैसा पे करके जाना है तो उसमें पैसा पहले नहीं देना है जब तक आपका वीजा ना आ जाए, ठीक है ना, तब तक आप किसी को पैसा नहीं देना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद है फ्रेंड ई एंड आई टेक्नीशियन, इसके बाद है मैकेनिकल हेल्पर। जी हाँ, मैं बोल रहा था ना कि मैकेनिकल हेल्पर का भी रिक्वायरमेंट है इसमें, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैकेनिकल हेल्पर का जो रिक्वायरमेंट है इसमें गोल्फ रिटर्न ओनली मांगा है, यानी कि हेल्पर में भी बताइए, अभी देखिए हेल्पर में भी गोल्फ रिटर्न मांगा है, यानी कि जो भाई लोग गोल्फ रिटर्न हैं अगर वो हेल्पर में जाना चाहते हैं तो ही आप जाइएगा, ठीक है ना, इसमें फ्रेशर नहीं लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड ई एंड आई फोरमैन, जी हाँ ई एंड आई फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद पाइपिंग फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है, पाइपिंग फोरमैन का भी इसमें रिक्वायरमेंट, पाइपिंग देखिए पाइपिंग सर्जेंट भी चाहिए, पाइप फैब्रिकेटर भी चाहिए और पाइपिंग फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद बिल्डिंग फोरमैन का, जी हाँ बिल्डिंग फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है, बिल्डर का रिक्वायरमेंट है तो जाए जाए कि बिल्डिंग फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर का भी रिक्वायरमेंट है, जी हाँ अगर आप इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर में जाना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर का भी इसमें रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है। सबसे मैं फ्रेंड बता दूं कि जो ये कंपनी है तुर्की की बहुत बेस्ट कंपनी, इसका नाम नहीं शो किया, अगर आप इस पर आप जाएंगे तो ही नाम मालूम चलेगा। आपसे बता दूं कि आप इसका नाम इसलिए नहीं बताते हैं, बहुत क्राउड होता है, बहुत भीड़ हो जाता है, आप इस अच्छा कंपनी का नाम मालूम चल जाता है तो बहुत से लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वो और अपना लिंक लगाने लगते हैं, ठीक है ना, कोई सुपरवाइजर का कोई इंजीनियर का सब लिंक फोन आने लगता है, इसलिए कुछ चलते मतलब ऑफिस वाले मतलब नाम नहीं शो करते हैं बहुत से ऑफिस वाले। तो सबसे पहले बता दूं बहुत अच्छी कंपनी का रिक्वायरमेंट है। और एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड कि ये कंपनी है, यानी कि सप्लाई नहीं है, इसमें फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है और फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। मैं जो भी रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूं फ्रेंड वो सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्टर रहता है, यानी कि बड़ी कंपनी रहती है, उसका फ्री फूड अगर लिख दिया तो यानी कि खाना कंपनी का फ्री है, ठीक है ना। फ्री अकोमोडेशन मतलब जो फैसिलिटी देखिए हम लोग का जो दिया है रूम का, ठीक है ना, ये सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन प्लस फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो गाड़ी से आप ड्यूटी करने जाएंगे यहां से साइड पे वो गाड़ी का भाड़ा कंपनी पे करेगा, सिर्फ आपको जाना आना रहेगा, ठीक है ना। प्लस अदर बेनिफिट में आपका मेडिकल है, यानी कि कंपनी मेडिकल भी प्रोवाइड कर रही है, अगर आपका तबीयत खराब हो गया बीमार हो गया तो सब कंपनी की तरफ से रहेगा, यानी कि आपका इंश्योरेंस रहेगा, ठीक है ना। मैं एक एक चीज़ फ्रेंड आप लोग को खोल कर क्यों बताता हूँ, ताकि जो भी हमारे नए भाई लोग हैं जहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचे, जो सब्सक्राइबर है वो लोग तो जानते हैं, जो हमारा परमानेंट सब्सक्राइबर है, लेकिन जो नए भाई लोग हैं उन तक वीडियो पहुँचे तो उनको भी जानकारी हो कि कंपनी में क्या मिलता है, सप्लाई कंपनी में क्या मिलता है, यानी सब कॉन्ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। हाँ एक चीज़ है, इसमें टोटल एक्सपीरियंस समझ 3-5 ईयर, यानी कि 3 साल से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी है, ठीक है ना। गल्फ का भी होगा तो चलेगा, इंडिया का भी एक्सपीरियंस होगा तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप इस हिसाब से जान लीजिए, मैकेनिकल हेल्पर में जो गल्फ रिटर्न मांगा है तो गल्फ रिटर्न माने प्रेफर्ड होगा, यानी कि सबसे पहले अगर आप रिटर्नर है तो आपका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले इसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या दिया है, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि अर्जेंटली रिक्वायरमेंट फॉर ए लीडिंग कंपनी, ठीक है, लार्ज कंपनी, ठीक है, एक बड़ी कंपनी के लिए तत्काल आवश्यकता है, ठीक है ना। शॉर्टलिस्टिंग इन ए प्रोग्रेस, ठीक है ना, शॉर्टलिस्टिंग चल रही है, ठीक है ना, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। क्लाइंट इंटरव्यू सून इन मुंबई, ठीक है ना, इसमें लिख दिया गया है कि साक्षात्कार जल्द ही मुंबई में होगा, ठीक है ना, ग्राहक का साक्षात्कार जल्द ही मुंबई में होगा। फिर मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से हमारे भाई लोग फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, तो भाई मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, जो लोग इंग्लिश समझेंगे, जो लोग हिंदी समझते हैं हिंदी में भी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। इमीडिएटली मोबिलाइजेशन, यानी कि तत्काल आपका मतलब होगा इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ है इसमें है। और फ्रेंड आपसे बता दूँ कि शॉर्टलिस्टिंग चल रहा है, ठीक है ना। शॉर्टलिस्टिंग का मतलब होता है कि ऑफिस वाला फाइनल पहले इंटरव्यू लेता है, उसके बाद आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ध्यान से सुनिए क्या क्या ट्रेड का किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो शीला कंसल्टेंट मैन पावर ऑफिस है मुंबई में। आपसे बता दूं कि जो भी ऑफिस के बारे में बताता हूँ इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस होते हैं, तो ये इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस सर्टिफाइड ऑफिस है, बहुत अच्छी ऑफिस है, इसका रैंकिंग भी बहुत अच्छा है। तो ध्यान से सुनिए एड्रेस, एड्रेस मैं बता रहा हूँ। तो एड्रेस जो है फ्रेंड 1203, यानी कि 1203 यूनिवर्सल पी एल लोखंडे मार्ग, जी
चेंबूर वेस्ट मुंबई 1203 यूनिवर्सल पीएल लखंडे मार्ग चेंबूर वेस्ट मुंबई, ये एड्रेस है फ्रेंड। और लैंडलाइन नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जैसे वीडियो अपलोड करूँगा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग मांगेंगे, ठीक है ना। तो 022-4220 और 4000, ठीक है ना, यानी कि 022-4220000, यानी कि 4 बार 0, ठीक है ना। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड कि कंपनी का फ्री फूड है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, फ्री अकोमोडेशन सब कुछ कंपनी का है, ठीक है ना, फ्री मेडिकल है। तो जो भाई लोग स्टेट से अपना जाकर आप इस पर शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, बिना शॉर्ट लिस्टिंग का आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा सब साथ लेकर जाएगा, फोटो ले लीजिएगा, ठीक है ना, और जाकर अपना ऑफिस पर शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिएगा, ठीक है ना। सीला कंसल्टेंसी बहुत अच्छी ऑफिस है, ठीक है ना, बहुत अच्छा ऑफिस है आपसे मैं बता दूँ कि, और समझ लीजिए जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का रिक्वायरमेंट चलता है, ठीक है ना। तो अगर आप जाएंगे, ये रिक्वायरमेंट तुर्की के लिए है, जी हाँ, तुर्की के लिए रिक्वायरमेंट, जो भाई लोग तुर्की जाना चाहते हैं, ठीक है ना, बहुत से भाई लोग कमेंट भी करते हैं तो तुर्की जाना चाहते हैं, तो तुर्की का रिक्वायरमेंट आ गया है, आप इस पर जाइए अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय, गुड बाय।